espero jogar o Arsenal. बनाने के लिए चाहिए हमें न्यूज़पेपर, साइंस कॉपी का पेज, हम लोग को वाइट साइड यूज करना है, आपको चाहिए पावर ग्लू। अच्छा कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है और आपको इस वीडियो के लिए मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमें चाहिए देखिए चौकोर साइज का एक बड़ा सा डिब्बा और आपको जितना बड़ा WWE का टॉय रिंग बनाना है आपको उतना ही बड़ा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज करना है और आपको उस बॉक्स को पूरी तरह से वेस्ट कपड़े से भर देना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी काफी सारे वेस्ट कपड़े से इसको भरा हुआ है। और आपको चाहिए कलर और देखिए मैं रेड कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं रॉक का ओल्ड एरा का मैं WWE टॉय रिंग बना रहा हूँ। आपको न्यू एरा का या दूसरा WWE टॉय रिंग बनाना है तो आप दूसरा कलर यूज करना है, लेकिन हमें लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर यूज करना है क्योंकि वाटर प्रूफ होता है। और हमें बड़ा ब्रश यूज करना है और हमें चाहिए इरेजर, सीजर, सुई और धागा और पेंसिल। और देखिए हमें ब्रूमस्टिक के पीसेस चाहिए और देखिए हमें छोटे ब्रूमस्टिक के 12 पीसेस चाहिए और बड़े ब्रूमस्टिक के 4 पीसेस चाहिए और हमें चाहिए गोल वाला इलास्टिक। WWE का टॉय रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको वेस्ट कपड़े को लेना है और कार्डबोर्ड के बॉक्स में पुट कर देना है कुछ इस तरह से। और पुट करने के बाद डिब्बे को कर देना है बंद। कपड़े को पुट करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है और एक सामान आपको कर लेना है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की लेयर लेनी है, उसमें लगाना है पावर ग्लू। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की लेयर में अप्लाई कर देनी है और ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर की लेयर अप्लाई करके इसको टोटल 4 लेयर से पूरी तरह से ढकनी है इस बॉक्स को। और अब मैं जितनी भी लेयर में अप्लाई करूंगा वो मैं वीडियो को पासवर्ड में लगा करूंगा। न्यूज़पेपर के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स में अप्लाई करने के बाद अब हमें ये साइड वाला हिस्सा सीखना है कैसे बनाए। दोस्तों अब आपको देखिए बड़ा वाला ब्रूमस्टिक लेना है और दोस्तों जो मैं आपको इस ब्रूमस्टिक में बोलूंगा करने के लिए और इस ब्रूमस्टिक में बोलूंगा सेम चीज आपको और ब्रूमस्टिक में भी वही प्रोसीजर अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर की लेयर लेनी है बड़ी वाली, उसमें लगाना पावर ग्लू और ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद आपको ब्रूमस्टिक को इसमें रखना है, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की लेयर देखिए इस तरह से इसमें अप्लाई कर देनी है कुछ इस तरह से, जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। और यही प्रोसीजर आपको 2-3 बार और अप्लाई करनी है। न्यूज़पेपर की लेयर अप्लाई करके देखिए इसको इतना मोटा करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और आपको इसको देखिए थोड़ा फिनिशिंग देना है। तो आपको न्यूज़पेपर की ये वाली लेयर लेनी है सिंगल वाली और बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर की पीसेस लेनी है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की लेयर में लपेटना है और हाथों से देना है सेफ कुछ इस तरह से और यही प्रोसीजर आपको इधर तक अप्लाई करनी है। न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई करके और देखिए हाथों से सेफ देने के बाद ये पूरी तरह से बन चुका है। और अब हमें फिर से लेनी है न्यूज़पेपर की पीस और आपको देखिए न्यूज़पेपर का बड़ा बड़ा पीस लेना है। उसके बाद आपको लगाना है उसमें पावर ग्लू। न्यूज़पेपर में देखिए पावर ग्लू अप्लाई करने के बाद आपको न्यूज़पेपर की देखिए ये वाली मोटी लेयर बनानी है। अब आपको न्यूज़पेपर की लेयर लेनी है और
आपको ब्रूमस्टिक के एक छोर में आपको न्यूज़पेपर लेयर अप्लाई कर देनी है कुछ इस तरह से, और देखिए काफी बड़ा हो जाए तो आपको इसको टियर कर लेना है, उसके बाद टियर करके इस साइड में अप्लाई कर देना है। और ये प्रोसीजर आपको सिर्फ दो बार अप्लाई करनी है, एक बार देखिए अप्लाई कर लिए, एक बार और हमें अप्लाई करना है। न्यूज़पेपर की मोटी लेयर देखिए टू बार अप्लाई करने के बाद अब हमें न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर लेनी है, उसमें लगाना है पावर ग्लू, उसके बाद सिंगल लेयर से आपको इसको अप्लाई करके ढक देना है। जहां पे आपने न्यूज़पेपर की मोटी लेयर लगाई है वहीं पे न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर इधर देखिए अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई करने के बाद आपको अपने थंब के नाखून से इस तरह से शेप अप्लाई करना है इस पे, और देखिए शेप अप्लाई करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और यह बन चुका है। और अब हमें फिर से न्यूज़पेपर की लेयर लेनी है, उसमें लगाना है आपको पावर ग्लू, और आप जहां बना रहे हैं जैसे देखिए मैं टेबल बना रहा हूं तो इस तरह से आपको टेबल पे रख के या जमीन पे रख के इस तरह से आपको देखिए हाथों से देना है शेप, और ऐसे शेप देने के बाद आपको न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर लेनी है, उसमें लगाना है पावर ग्लू और इसको इस तरह से ढक देना है। और ढकने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की छोटी छोटी लेयर लेनी है सिंगल वाली, उसके बाद आपको ब्रूमस्टिक छोटा वाला लेना है, उसको रखना है सेंटर पे कुछ इस तरह से, और आपको अपने थंब से देखिए इस तरह से होल्ड करके रखना है, उसके बाद न्यूज़पेपर की लेयर लेनी है और इस तरह से अप्लाई कर देनी है। और ये प्रोसीजर आपको एक दो बार और अप्लाई करना है और इसको मजबूती से जोड़ना है। देखिए दोस्तों इसको मजबूती से जोड़ने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, और सेम प्रोसीजर अप्लाई करके आपको दो और बनानी है, और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको ये जितने भी आप इसको बनाएंगे और टोटल हमें 12 बनानी है, और 12 के 12 एक जैसे दिखने चाहिए, कोशिश आपको करनी है एक जैसे ना भी दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक जैसा बनाना बहुत टफ है, आप एक जैसा बना दिए तो बहुत अच्छी बात है। और इसको अब बनाने के बाद अब हमें इसको कुछ इस तरह से करना है पेस्ट, न्यूज़पेपर पावर ग्लू लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर की लेयर अप्लाई कर देनी है। और यही प्रोसीजर अप्लाई करके आपको इन दोनों को भी पेस्ट कर देना है। जैसे दोस्तों हम लोग ने इसको पेस्ट किया था, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके देखिए इन दोनों को भी आपको पेस्ट कर देना है, और इसको पेस्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। और जब आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपको सीजर का पॉइंट वाला हिस्सा यूज करना है, उसके बाद आपको होल क्रिएट करना है कुछ इस तरह से, आपको ऐसे ही होल इसमें भी क्रिएट करनी है और इसमें, और सेम टू सी अप्लाई करके आपको 3 और बना देने हैं। और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और अब हमें इन सब को इससे अटैच कर देना है। और आपको देखिए अटैच कैसे करना है, आपको न्यूज़पेपर में लगानी है पावर ग्लू, और ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद आपको इमेज को देखना है, और आपको देखिए इस तरह से इसको होल्ड करके रखना है, और बड़े से न्यूज़पेपर के पीस में आपको पावर ग्लू लगानी है, उसके बाद आपको इस तरह से इसमें लपेट देना है। और ये प्रोसीजर आपको तब तक अप्लाई करनी है जब तक ये अच्छे से एक दूसरे से अटैच ना हो जाए। देखिए दोस्तों अब ये पेस्ट हो चुका है, और देखिए पेस्ट होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। और देखिए दोस्तों फ्रंट से इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, और जैसे हम लोग ने इसको अटैच किया है इससे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम लोग को 3 और अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद हम लोग को उसको रख देना है 4 दिन धूप में सूखने के लिए।
और जैसे दोस्तों हम लोग ने इसको अटैच किया था, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके मैंने और तीनों को अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद रख दिया 4 दिन धूप में सूखने के लिए। और ये सारे के सारे अब सूख चुके हैं, और सूखने के बाद देखिए काफी मजबूत हो गया है। और अब दोस्तों हम लोग को पूरी तरह से साइंस कॉप के पेज से इसको ढक देना है। देखिए दोस्तों साइंस कॉप के पेज के लिए अप्लाई करने के बाद मैंने रख दिया तो सूखने के लिए, और ये अब सूख चुका है। और दोस्तों आपको साइंस कॉप के पेज के लिए इधर देखिए अप्लाई करनी है, इस साइड में आपको होल को नहीं ढकना है साइंस कॉप के पेज की लेयर से। जैसे देखिए मैंने होल को नहीं ढका है, देख सकते हैं आप मैंने होल को नहीं ढका है। और दोस्तों आपको इधर साइंस कॉपी के पेज की लेयर लगानी है, आपको साइंस कॉपी के पेज की लेयर इधर लगानी है, और आपको इधर देखिए साइंस कॉपी के पेज की लेयर नहीं अप्लाई करनी है। और दोस्तों साइंस कॉपी के पेज के लिए अप्लाई करने के बाद अब हमें इसमें कर देना है कलर। और दोस्तों आपको इस साइड में देखिए डायरेक्ट कलर नहीं करना है, आपको चार्ट पेपर लेना है, उसके आपको सेम साइज के जैसे ये साइज है उस साइज में आपको चार्ट पेपर के पीसेस को कट करनी है। और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया, आपको टोटल 4 चाहिए। उसके बाद आपको इसमें जो भी रिंग के साइड में बना रहता है आपको उसको बनाना है, ड्रॉ करना है, उसका कलर करना है। उसके बाद आपको फिर उसमें इस साइड में आपको पावर को लगानी ऊपर के साइड में, और इस तरह से कर देना है पेज। और आपको इधर देखिए जो कलर होता है, जो मैं रिंग बना रहा हूँ इधर का जो कलर है वो है ब्लैक कलर, और जो इधर का जो कलर है यह है व्हाइट कलर। तो मैं ये पेंट कलर अप्लाई करूंगा, उसके बाद चार्ट पेपर में ड्रॉ करके इधर पेस्ट करूंगा, और ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए दोस्तों कलर अप्लाई करने के बाद अब हमें इलास्टिक को इससे अटैच करना है। और आपको अटैच कैसे करना है, आपको देखिए इलास्टिक का पॉइंट वाला हिस्सा लेना है, उसके बाद आपको होल में कर देना है फुट कुछ इस तरह से, और यही प्रोसीजर आपको सब में अप्लाई करनी है। देखिए दोस्तों सारे के सारे होल से इलास्टिक को पास करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। उसके बाद आपको इस तरह से देखिए इलास्टिक को आपको टाइटली होल्ड करके रखना है, और जो बाकी का इलास्टिक है जितना देखिए बाकी का इलास्टिक निकला हुआ है उसको आपको सीजर की मदद से कट करके निकाल देनी है। और देखिए सीजर की मदद से कट करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह से होल्ड करके रखना है टाइटली। उसके बाद आपको लेना है सुई और धागा, और आपको इलास्टिक के बीच में इस तरह से सुई को पुट करना है और उसको सील देना है कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों सुई धागे सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और दोस्तों आपने वीडियो को शुरू में ही देख लिया था इसका लुक कैसा है पास से, और दोस्तों आपने वीडियो के शुरू में इसको भी देखा था। और ये है WWE टॉय रिंग स्टील स्टेप, और मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना दी है, और आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी आई बटन में। और दोस्तों आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा क्यों मैंने टर्न बकल में WWE का लोगो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों काफी मुझको तकलीफ हो रही थी इसलिए मैंने नहीं बनाया, आप चाहे तो बना सकते हैं। और दोस्तों हम लोग ने वीडियो को शुरू में ही देख लिया था इसका कैसा लुक है पास से, हम लोग ने सीख लिया इसको कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।